हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड की, यानी नायका की। दोस्तों, नायका का नाम आपने तो सुना ही होगा, और नायका कंपनी का शेयर इस बार 200 पार करेगी या नहीं करेगी, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आज की ऊपर क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी यहाँ पे पब्लिश करने वाली है, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड की। तो इसके अबाउट भी आपसे हम डिस्कस करेंगे, Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स के अबाउट भी। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये स्टॉक बेसिकली अपने हाई से बहुत नीचे आ चुका है। स्टॉक फिलहाल तो अभी कुछ टाइम पे अगर आप देखोगे तो 6 मंथ में 3% की तेजी देखने को मिला, 1 ईयर में 39% का रिटर्न भी दिया है बेसिकली ये स्टॉक। और 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 1700 यहाँ पे आप देख सकते हैं 176% रुपीज यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट में 1769,900% यहाँ पे तेजी देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। लेकिन इतना भी तेजी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इस स्टॉक की तो बेसिकली अभी के टाइम पे जो आपको देखने को मिल रहा है, एक ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे स्टॉक, 400 रुपये के करीब ये स्टॉक था, और ये स्टॉक बेसिकली टूटता हुआ नजर आया है। 2021 के बाद अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट हुआ, यानी मतलब अगर हम बात करें यहाँ जो नीचे प्राइस ये रिटर्न दे रहा है, ये रिटर्न एक तरह से इतना नहीं है। एक तरह से अगर हम देखें लिस्टिंग के टाइम पे ये स्टॉक बहुत अच्छा गेन दिखाया था और बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्टॉक का लिस्टिंग इस लेवल पे अगर हम बात करें, अगर स्टॉक का स्प्लिट से पहले, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि करीब करीब 2000 के करीब गया था स्टॉक। उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू एक तरह से फॉल आउट देखने को मिला, और एक स्टॉक गिरते 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 एक तरह से अगर हम कहें तो 150 से भी नीचे चला गया स्टॉक नायका का शेयर। लेकिन आज के डेट में फिर से ये स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स एफएसएन ई कॉमर्स का देखने को मिला था आपको काफ़ी अच्छा नज़र आया होगा। होपफुली अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहा था नायका का। और यहाँ पे नायका का आप देख सकते हैं जो बेसिकली दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 17 करोड़ हो गया था, 5% से मार्जिन बढ़ के 6% मार्जिन हो गया था, 1463 करोड़ से सेल्स बढ़ के 1789 करोड़ सेल्स हो गया था। तो कंपनी के सेल्स में तगड़ा इजाफा देखने को मिला था यहाँ पे Q3 के क्वार्टर के रिजल्ट्स में। और यहाँ पे दोस्तों आज ही के डेट में Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी पब्लिश करेगी, आप ये डेट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स आएगा अपडेट करूंगा चैनल पे, तो चैनल को लाइक यहाँ पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे Q4 क्वार्टर की रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर में जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, यहाँ करीब करीब 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और 1302 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। तो होपफुली अगर इससे गिरावट भी देखने को मिलता है तो यहाँ पे 1600 करोड़ के यहाँ पे सेल्स करीब करीब आपको देखने को मिल ही जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट 10 करोड़ से ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से मल्टीफोल्ड्स जंप्स देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स पे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है नायका के शेयर प्राइस पे। तो यहाँ पे इस स्टॉक के शेयर प्राइस पे आप फोकस बना के जरूर चलिएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बात करें बड़े इंस्टीट्यूशंस की, तो इस स्टॉक पे अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में DIS की बात करें तो DIS बहुत तेजी से खरीदारी कर रहे हैं, कंटिन्यू खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं DIS इस स्टॉक के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो FIS भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग कम कर दी की है FIS ने, और यहाँ पे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट फ्लाइट ही है, कहे माइनर से अमाउंट पे इन्होंने अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आए हैं, और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम होती हुई नजर आई। तो जो देखिए पब्लिक की होल्डिंग 38.29% 2021 में पहुंच गया था, वो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग घट के 20.31% पे आ गया, यानी पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यू घट रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिलेगा दोस्तों, ये चीज आप देख सकते हैं खुद भी कि यहाँ पे अगर जो पब्लिक है उनके पास होल्डिंग कम होगा तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। एक तरह से शेयर प्राइस अगर कम रहेगा, डेली ट्रेडिंग में शेयर प्राइस कम होगा, तो यहाँ पे एक तरह से शेयर प्राइस की डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिलेगा आपको।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की एफएसएनई ई-कॉमर्स की, जो नायका जिसको हम बोलते हैं नायका डॉट कॉम, इनका एक तरह से एनएससी में नाम दिया गया नायका, और यहाँ पे नायका ब्रांड के नाम से ही कंपनी चलती है। आपको पता होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे सेल्स करती है, बेसिकली ऑनलाइन फैशन से रिलेटेड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात कर लें, फैशन प्रोडक्ट्स की बात कर लें, ये सब सारे प्रोडक्ट्स एक तरह से सेल्स करती हुई नज़र आती है। और ख़ास करके स्पेशलिटी इन ब्यूटी अगर हम देखें तो लार्जेस्ट इन इंडिया देखने को मिलता है नायका। यहाँ पे 50,683 करोड़ का यहाँ पे मार्केट का फिलहाल इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 1836 के पी पे ट्रेड करता है स्टॉक। यहाँ पे कंपनी का जो आरओसी या आरओई है वो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ईपीएस भी उतना अच्छा नहीं है, 10 पैसा का मात्र ईपीएस जनरेट कर दी कंपनी। लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो एक तरह से डेप्ट इक्विटी देखोगे तो 1 से कम है, 966 कर्ज देखने को मिलता है, 1106 करोड़ इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। डिविडेंड की बात करें तो 0% डिविडेंड देती है कंपनी, यहाँ पे डिविडेंड अभी तक दी नहीं है क्योंकि कंपनी उतना प्रॉफिट भी नहीं कर पाती है। पेट्रोस्केल स्कोर की बात करें तो 2 दिया गया, तो रेटिंग बहुत ख़राब है फिलहाल, तो यहाँ पे 2 रेटिंग है, और यहाँ पे ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग तो 3.27 रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना नीचे आ जाए इसकी शेयर प्राइस। और FIS & DIS की अच्छी खासी यहाँ पे हिस्सेदारी है, जो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की जो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक चीज़ें देखने को मिलेगा। कंपनी जब यहाँ पे एक तरह से इक्विटी कैपिटल देखेगा तो 285 करोड़ का इक्विटी कैपिटल कर चुकी है यहाँ पे, और रिजर्व कंपनी के पास कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे मार्च 2022 में सबसे ज़्यादा रिजर्व था, फिर कम हो गया था रिजर्व, उसके बाद फिर से कंपनी ने यहाँ पे रिजर्व इंक्रीज करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बोरोइंग भी कंपनी ने कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज की है, और यहाँ पे माइनर इन्वेस्टमेंट कभी कभी यहाँ पे कंपनी करती रहती है, इन्वेस्टमेंट भी करती रहती है, CWIP में भी वर्क लगा रहता है, CWIP में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट लाइबिलिटीज है जो यहाँ पे एक तरह से देखें तो इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी की ग्रोथ की नायका की, तो यहाँ पे नायका की जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स कंपनी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, और दिसंबर 2023 में अगर आप देखोगे, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, मैं यहाँ पे ईयरली रिजल्ट्स पे लेकर जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी कंटिन्यू सेल्स 2018 से अब तक देखोगे तो सेल्स में बहुत तगड़ा इजाफा किया है, 6,000 करोड़ यहाँ पे सेल्स क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 33 करोड़ इस बार होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो मार्च 2021 में 62 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने किया था, लेकिन यहाँ पे 2024 में अगर आप देखेंगे तो 33 करोड़ कंपनी प्रॉफिट करती हुई, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट यहाँ पे गिरा है एक तरह से, लेकिन प्रीवियस ईयर की बात करें खास करके मार्च 2023 से, तो मार्च 2023 से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है इनका नेट प्रॉफिट। तो यानी होपफुली यहाँ पे 200 क्रॉस कर सकता है स्टॉक बहुत इजीली से, कंपनी अगर मल्टीपोल्स यहाँ पे जंप करती है क्यू4 क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा, जिससे कि आने वाला अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पे अभी तक आपने अगर अपस्टॉक पे अभी अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके अपस्टॉक पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।